धीरे धीरे ये बोल, किसी की बहन बेटी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती कमीना कहीं का? करे या बता, बहनी बेटियां नहीं छेड़ी जाती का, गाय भैंसी छेड़ी जाती कमीना कहीं का? बदतमीज नहीं, गाय भैंसी छेड़ी जाती। निकल जा कमीने वरना 200 जूतियां मारूंगी। परेशान न हो, हमारे बाधा सिर्फ एक बार हमारी बात मान जाओ। ऐसा आरती नहीं हो सकता। क्यों नहीं? यहाँ से चुपचाप चले जाओ। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? कभी नहीं होगा। राधा कहो, अगर तू मेरे साथ प्यार नहीं करेगी तो सुन मेरी बात। कहो क्या करे सर? और सीधे साथ है कर नहीं और करे कि मुझसे प्यार। अच्छा, और जबरन तेरे साथ में और लूटो मौजी। मोहे मना ही मार, फिर कहाँ मारा? या टुन्नी माया है साले, वो मुंह से अलग है, ना लायक कहीं बेइज्जती हो गई। रामखोर बुला, मैं भी देखता हूँ कि तेरी मदद के लिए कौन आता है। मेरी मदद के लिए मेरा मुरलिया वाला मेरा भगवान है। यहाँ कोई नहीं आएगा। बुला आएगा बच्चा, और शर्म तुझे और बदतमीज बदका, शर्म तुझे आई नहीं और बदतमीज बदका, छेड़ पाई सुता तोर करता क्या। शर्म ना तू अपने दिल में लाता, तुझे शर्म नहीं लगती जाने। अरे अरे बेशर्म कुछ ना शर्म अपने दिल में लाता है, और पराई ये सुता को छेड़ अपना गीत गाता है। मेरा नुकसान हो चाहे नफा हर किस न जाऊंगा, और चला जा तू यहां से क्यों ये तेरा दिल चलाता है। श्याम क्या है दयाल, मेरी बात सुन, जो बार बार चट्टानों से टकराता है वो एक दिन चूर हो जाता है, और समझ ले सोच ले इसमें
नफा कुछ तू न पाए। छोड़ के नहीं जाऊंगा। कौन तू? मैं नहीं जाऊंगा। उस दिन की पिटाई भूल गया क्या? क्या मैं उस दिन की पिटाई नहीं भूला हूँ, लेकिन वो विद्यालय था। सुन मेरी बात, क्या है, क्या कहना चाहता? हेलो, और ये आ गए हमारे हरिचंद भैया जी, बक्सापुर निवासी। 11 रुपया दे दे का दिन दहाड़े न लूटो। और याद रख मेरी बात तू। हाँ मुझे याद है। ये दुश्मनी तुझे इतनी महंगी पड़ेगी, इतनी महंगी पड़ेगी, जितनी भी महंगी पड़ेगी होगी देखा जाएगा कि तुझे खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा। चलिए यार, ये नवा लौंडा है कि चक्कर में न पड़ी।
निराश हो जाए। कहाँ जा रहा है कमीना? अरे क्योंकि साले ये ये बताओ आखिर हम का कीन है तुम्हारे साथ? क्या किया क्या किया रहा तेरा नाश हो जाए उस अय्यास के चक्कर में जैसा वो कहता वैसा तू भी करता है ना? हम कुछ करबो नहीं बाबा हराम जादे जौन करे धरे में वही किए हम तो खाली ओधन भर रहा। अरे इधर आ वो मिल गई साले और मारो साले इधर आ इधर आ इस साले को क्यों साले बदतमीजी से क्यों रे कमीना क्या कह रहा था साले? जब मैं कह रही थी कि तेरे किसी की बहन बेटी को छेड़ती हुए शर्म नहीं आती तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था। मैं क्या कहे कह रहा था पहली बिटिया नहीं क्या गई भाई सुन ले हमका माफ कर दे ऐसे नहीं माफ करेंगे ओके तारा राधा के पैर छूकर हाथ जोड़कर माफी मांग। अरे यार हमारा पंजंग पोजीशन घट जाए यार क्यों रे आराम जाते जैसे बिलार बन के झांक रहा। अच्छा मैं अगर ले हो तो तुम दई दे हो क्या माफी माफी हो क्या? अरे यार आज तक मैं कहूँ से लिए नहीं हूँ यह कि आज चलो ऐसा करो चल तनी के अपन तुम ये सलवार उठा ले हो सलवार साले अब इनके सही से पांव नहीं देखा नहीं कहाँ की ले ले हूँ अंधा क्यों रे अंधा दिखाई नहीं दे रहे पे हाँ अब दिखा दी दिख रहे ऐसा करो कैसा हमका माफ कर दे माफ कर दो हाँ आज के बाद हम कहोगी बहनी बिटिया न छाड़ब गाय भैंसी छाड़ब दूध खाब सेहत बनाब लेकिन हम बहनी बिटिया ऐसे ही माफ साले पैर छू कर माफ चल चल बच्चा हमारे समर सेबुल से पानी लगा लंबरी हराम जाते हराम का लगा देता ऐसा नहीं लेता पैसा नहीं लेता पैसा तो ले दी लेकिन दुश्मनी तो महंगी पड़ी अच्छा ले हमका दही दे क्या लेगा माफी चल चल पैर छू हाथ जोड़ और पैर छू अरे ठाकुरी तेरी लाश हो जाए संगत तेरी ऐसी है कभी ना कहीं का ए, अब इधर नजर नहीं आना निकल जा चुपचाप साले कंडोम है कि कंटोप है चल 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 राधा ये बोलो तुम कौन हो कहाँ रहते हो अगर आज आप नहीं आ जाते तो आराम ज्यादा दयाल सिंह न जाने मुझे कहाँ ले जाता मेरे साथ क्या न करता। अरे राधा तुम्हें भूल गए अरे मैं वही श्याम तो हूँ अरे जो कुछ होना था हुआ अरे उसको जाओ चलिए क्यों नहीं राधा जो कुछ भी है उसे भूल जाओ और सीधे स्कूल चलो। लेकिन साहब क्या अगर आज तुम नहीं आ जाते तो आराम ज्यादा दुष्ट पापी न जाने मेरे साथ क्या करता।
तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? आपने आके मेरी गुरु बचा छेड़ना ये अच्छा धर्म नहीं है। जो मेरा धर्म था देवी, मैंने वो कर दिया। दुनियादारी सब भूल के चलो सीधे स्कूल चलो। देखो मैं स्कूल अब नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगी। क्या? हाँ मेरे साथ चलोगे? जी हाँ। अरे तो स्कूल तो चलना है, क्या कहना चाहती हो? लेकिन मैं आज के बाद इतना डरती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं जाऊं तो शायद फिर ना मुझे मिल जाए। अच्छा, मैं इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। डर के मारे हमारे साथ चलना चाहती हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारे साथ चलो। लेकिन मैं तुमसे और कुछ कहना चाहती हूँ, कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे? क्या कहना चाहती हूँ बोलो। नाराज तो नहीं हो जाओगे? अरे नाराज वाली बात करोगी तो नाराज हो जाएंगे। श्याम, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या? हाँ। अरे ये कैसी बात करती है? मैं सच कहती हूँ अभी। अरे प्यार करना था अभी, वो प्यार ही मांग रहा था, लेकिन तुम एक मुझसे। हाँ, अरे देखो मैं गरीब इंसान हूँ ना, तो मैं ये प्यार व्यार का चक्कर मत डालो। श्याम, हाँ तुम्हारा साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती। अरे देवी जी, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देवी जी, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। पर छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी
मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मरते दम सवारी थरियाओं तक किले चलो तेरे हराम खोर हाँ। ये तुझे तांगा दिखाई दे रहा अबे असूदे पर रहा तो है कहा था तांगा भोलू ना धी रही है ये सवारू भाई हराम खोर तुझे मरते दम तक बसा लिया हाँ तूने और मुझे तुम्हारी निगाहों से कुछ पता चल गया अच्छा और तुम्हारी नजरों में हमने देखा हमारी नजरों में हाँ मुझे तुम्हारी नजर बता रही है अच्छा और तुम्हारी नजरों में हमने देखा और अजब सी चाहत जागी रही तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी मऊहा महक रही है क्यों रे क्यों बे साले हराम को तुम काया करत रहे हो हम हाँ, हाँ, अरे अब तो दोनों जने प्यार कर रहे थे भैया हन के जौन है हाँ, हाँ, तो कई मछिया हुआ हुस्का दिहन रहे तो मैं कहूँ वाह मोरे घर तारे घुस जा कल कल Hang it up.
हेलो भाई साहब, मैडम जी, क्या है ये बताइए, आप बीमा करवाएंगे? बीमा? हाँ, मैं LIC कंपनी से आया हूँ। अच्छा, बीमा भी करते हो? हाँ, बीमा करते। LIC कंपनी के कौन हो तुम? हाँ, मैं एजेंट हूँ। अच्छा, एजेंट हो? हाँ, चाहे 3 महीने का करवाओ, चाहे 6 महीने करवाओ, चाहे 9 महीने करो। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने? 9 महीने। लेकिन इसमें फायदा क्या क्या है बताओ? देखिए, जब आप 3 महीने का करवाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, मेरे अकाउंट में बैलेंस जा रहा है। अच्छा, अकाउंट में जा रहा है। हाँ, फिर जब आप 6 महीने का करवाएंगे तो आपको भरपूर भरोसा हो जाएगा कि ये कंपनी भागे कि नहीं, भागे कि नहीं। हाँ, मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है। अच्छा, नौ महीने वाले में क्या फायदा है? 9 महीना में ब्याज रकम सब बाहर। ब्याज रकम बाहर? बाहर मतलब खुले शब्दों में बताओ। खुले शब्द में और क्या? अरे समझे वाले समझ नहीं, समझ नहीं गए। तुमने तो पर्दे के आड़ में बताया, खुले शब्दों में बताओ। देखिए, खुले शब्दों में ये है, क्या है? कि आपकी रकम और आपका ब्याज, अच्छा, सब बाहर हो जाएगा। क्यों रे? आराम जाते, कैसे ब्याज सहित रकम हो जाएगी? तुमको नहीं मालूम है कि जब आप खुद अस्पताल ले जाएंगे? अस्पताल? क्यों रे? हम जाते अस्पताल वाला भी। सुन लो। प्यार तो करो तो फायदा मालूम है। फायदा? हाँ। अच्छा, प्यार करने में फायदा होते? प्यार करे में 3 फायदा। वो कौन कौन से? नंबर 1, तो पूरे शरीर का मूर्छा छूट जाता प्यार करे से। अच्छा। नंबर 2, पेट में बेदहजमी नहीं बना। ये भी है? हाँ। नंबर 3, सुबह टट्टी जाओ टट्टी साफ। महीना गई काम आ गए एजेंट बन करके। राधा, देखो समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, ठीक है? सुनो मेरी बात, कहो क्या कहना चाहती हो। अब हृदय में हुआ तेरा अब पास है, आ लगा लूं गले से तुझे जान। राधा, अगर ये बात है तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन राधा ऐसा करना कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं, कहीं बीच मझधार में मुझे छोड़ नहीं देना। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर साथ खाती हूं और वादा करती हूं कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी दुख हो, कुछ भी सुख हो, मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो यही कहना है, अरे साथ देना है तो। राधा, कैसे? अरे साथ देना है तो जिंदगी भर का दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं। सब खाती हूँ कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तो ठीक है,
क्योंकि समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। ठीक है, चलो चलो चलते इसको।